नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके सामने हूँ कुछ मुद्दों पे बात करने के लिए। वो मुद्दे ऐसे हैं जो हम आम भारतीयों के ज़िंदगी से, हमारे अतीत से जुड़े हुए हैं। अगर मैं हमारी संस्कृति की बात करूँ, वो आज से हज़ारों साल पुरानी है, जिनके बारे में आज हमारे जो भावी पीढ़ी हैं और हमारे जो यंग जनरेशन हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो सब भूलते चले जा रहे हैं। हम अपना तो रहे हैं वेस्टर्न कल्चर्स को, बट साथ ही साथ हमें अपने संस्कृति, अपने कल्चर, अपने विचारों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये धरती है उस छत्रपति शिवाजी महाराज की, ये धरती है पृथ्वीराज चौहान की, ये धरती है सुभाष चंद्र बोस की, ये धरती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे ना जाने अनगिनत कितने ही सूरमा, कितने भी वीर जो इस भारत माँ को आज़ादी दिलाने के लिए, इस भारत माँ की अखंडता को बढ़ाने के लिए ना जाने अपने जीवन की कुर्बानी देने में कभी पीछे नहीं हटे। पर आज अगर हम लोगों से बात करें, क्या आप अपने देश के लिए कुर्बान हो सकते हैं? मुझे शक है कि वो उसमें से शायद ही कोई लोग सामने आएंगे। बट हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे मुहिम चलाई जा रही है, जिसकी वजह से आज दोबारा से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा भारत दोबारा से महान बन चुका है, या उस महानता की दौर को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है जिसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया करते हैं। इसके पीछे और कोई नहीं, हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के सामने कुछ चंद शब्दों कहने के लिए। लेट अस टॉक अबाउट दैट वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द होल मिशन is to develop the feeling of the patriotism towards the people and to develop the confidence installed in the mind of the citizens to encourage by our Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Main unka tahe dil se shukriya karta hun. That's why he calls to involve themselves in the various programs to mark the Azadi ka Amrit Mahotsav, which includes the Har Ghar Tiranga Mahotsav, Har Ghar Tiranga campaigns and all. आपको याद होगा भली बाती कि पिछले ही साल हमने हर घर तिरंगा मनाने के लिए पूरे जोरों शोरों से सभी ने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया था और सभी ने अपने घरों पे तिरंगा लगाकर ये प्रूव किया था कि हम सभी भारतवासी एक साथ हैं, एकजुट हैं। आपने अगर नहीं किया है तो ज़रूर करिए। नेक्स्ट, रिसेंटली रिजल्टेड द चंद्रयान मिशन सक्सेसफुली कम्प्लीटेड एंड देन लॉन्चिंग द अमृत कलश यात्रा अंडर द मेरी मिट्टी मेरी देश कैंपेन। एक नया मुहिम शुरू किया गया है जिससे आम आदमी को उसके मिट्टी से जोड़े रखने की एक कोशिश की जा रही है, जिसमें अगर मैं बात करूं, कनेक्टिंग एवरी पर्सन विद द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, कनेक्टिंग फीलिंग्स बाय द प्रोग्राम और द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, देयर एफर्ट्स, देयर डेवलपमेंट, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी को उभारने का एक प्रयास किया जा रहा है श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं अपने सारे शब्दों को समेटता हूँ और आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से इसको और बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा, जिसे आप इस प्रेजेंटेशन के साथ देख पाएंगे। फाइनली, मेरी मिट्टी मेरी देश कैंपेन विल सी एवरी हाउस होल्ड, एवरी वार्ड्स एंड विलेज टू विलेज कनेक्टिंग एंड कलेक्टिंग ऑल द माटीज इन अ पॉट ओवर दिस मंथ ऑफ अक्टूबर। ये शुरुआत हुआ था सेप्टेम्बर मंथ से या उससे पहले से, आप चाहे तो इसके बारे में सरकारी पोर्टल पे जाके पता लगा सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स इशू होंगे, गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे पोर्टल्स बना के रखे हुए हैं। एंड फाइनली ड्यूरिंग द अक्टूबर 28 to 30, पूरे के पूरे भारत से जितनी भी पॉट्स में मिट्टी और मेरी माटी मेरी देश के संकल्प से रिलेटेड मिट्टियों को कलेक्ट किए जा रहे हैं, उन सभी को अमृत कलश के रूप में दिल्ली, न्यू दिल्ली में पहुंचाया जाएगा। वेयर पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी विल पुट द सॉयल फ्रॉम दिस अमृत कलश इनटू द अमृत वाटिका, जिसे दिल्ली में क्रिएट किया गया है अमृत वाटिका के नाम से। और ये हमारे उन वीरों को श्रद्धांजलि है पूरे संपूर्ण भारत की तरफ से कि आप लोगों ने अपने बलिदानों से हमारे इस भारत को और इस भारत माता को अंग्रेजों से छुटकारा दिलाया है। और हमें उस भूलना नहीं चाहिए उन अनगिनत वीरों को जिनको हम
उनके नामों से नहीं जानते हैं बल्कि उनके कर्मों से याद करते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में कहें तो अनसंग हीरोज के नाम से जानते हैं, जिनके बारे में सरकार ने एक लिस्ट जारी किया हुआ है। और ऐसे ही बहुत सारे अनगिनत ऐसे हीरोज आपके चारों तरफ में होंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, जिनका नाम शायद आपके गाँव में होगा, शायद आपके शहरों में होगा, शायद पूरे देश में होगा, जिनमें से कई लोगों को तो हम जानते हैं। जैसे कि आपने रिसेंटली नाम सुना होगा शहीद उधम सिंह, सरदार उधम सिंह, उनके बारे में आप जानते ही हैं, जिनका जुड़ाव जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ था और उन्होंने कैसे जनरल डायर को मार के उसके लिए हमारे भारतीयों की तरफ से दिखा दिया था उन अंग्रेज़ों के कि हम कभी किसी से पीछे नहीं हटते हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा और देखते हैं कि इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप इसके बारे में और कितना कुछ समझते हैं। चलिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।